देखिए आज के टाइम पे आपको इंस्टेंट के नाम पर यार हर चीज मिल जाती है। अभी ऑर्डर करो 10 मिनट पे आपके घर के नीचे। लेकिन रही बात लोन की, तो वहाँ पे कई सारे लोन आ जाते हैं और कई सारी प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको सेल स्लिप देना पड़ जाता है, आपको सिविल स्कोर दिखाना पड़ जाता है, काफी सारी चीजें। लेकिन हम यहाँ पे बात करें गोल्ड लोन के बारे में। ये लोन जो है काफी कॉमन है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या हो गया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, कितना गोल्ड हम गिरवी रख सकते हैं, कितना उसका अमाउंट मिलेगा, टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, पेमेंट कैसे करनी है, ईएमआई देना है, प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट देना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम प्री पेमेंट करते हैं तो उसकी पेनल्टी क्या लगने वाली है या नहीं लगने वाली, या फिर मैं बात करूँ हम किसी भी बैंक को या एनबीएफसी को गोल्ड दे रहे हैं तो क्या वो सेफ भी है। तो ये सारी की सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो चलते वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना, नीचे ही बटन है यार दबा दो, साथ में छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है तो उसे दबा के बढ़ते हैं आगे। गोल्ड लोन लेने के लिए सबसे पहले यार आपके पास गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोन होता है वो जो होता है सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन के पीछे एक ना कुछ गिरवी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास एक गोल्ड की ज्वेलरी होना चाहिए जो कि हम बैंक को प्रोवाइड करेंगे। अब रही बात, यहाँ पे कोई सैलरी स्लिप जो मैं बता रहा था वो नहीं देना, लेकिन आपका सिविल स्कोर जरूर बढ़ता है जब तो आप जो टाइम टू टाइम इसकी ईएमआई पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट आपको देते हैं, तो सिविल स्कोर काफी इंपैक्ट होता है। अब रही बात 10 ईयर की बात कर लेते हैं। ये जो लोन होता है काफी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड से मेरा मतलब ये नहीं कि 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, यहाँ पर 3 महीने से लेकर 3 साल तक जा सकता है। कई सारी एनबीएफसी है जो कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक का भी आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो उम्र है जनरली 18 प्लस होनी चाहिए, जो कि हर चीज़ में मांगते हैं। और साथ ही साथ आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप मुझे भाई ईएमआई बनवा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से तो इनकम करेंगे, कोई प्रूफ नहीं दिखाना, लेकिन बैंक जनरली आपसे पूछेगी ही पूछेगी। अब मैंने ये सवाल आता है कि हमारे पास ज्वेलरी है, गोल्ड है, उसे हम गिरवी देने जा रहे हैं, बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, तो हमें जो है कितना अमाउंट उसका लोन मिलने वाला है। अब आप सभी को मालूम होगा जो गोल्ड ज्वेलरी होता है वो 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक सबसे पहले यही चेकआउट करती है आपके कहने पर, या आपके पास जो बिल है उस पर लिखा हुआ है कि 18 कैरेट का जो ज्वेलरी है, इतने अमाउंट का ज्वेलरी है, तो वो सब मायने नहीं रखता। बैंक अपने साइड से चेकआउट करती है कि आपकी जो ज्वेलरी है जो लेकर आए हैं वो 18 कैरेट है या 22 कैरेट है, वो चेक करेंगे। साथ ही साथ उसमें से कई सारी चीज़ें माइनस भी होती है लोन देने से पहले, जिसमें जो गोल्ड के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टोन लगे होते हैं, तो उसका वेट यहाँ पर हटा दिया जाता है, उसे यहाँ से मतलब रिमूव कर दिया जाता है, गोल्ड से नहीं हटाएंगे, मतलब उसका प्राइस जो है वो वहाँ से हटा दिया जाता है। मेकिंग चार्ज जो होता है आपने देखा होगा, जो कई सारे जो ज्वेलरी शॉप होते हैं या प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपने ऐड में देखा होगा कि हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज सबसे कम है, तो जो मेकिंग चार्ज होता है उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। उसके बाद जो भी आपका गोल्ड का जो प्राइस है, ज्वेलरी का जो प्राइस है, उसके अंदर बैंक अपना जो है 20 से 25-30% का मार्जिन लेके चलती है कि बाई चांस अगर आप उनकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो बैंक उस ज्वेलरी को जब भी सेल आउट करे तो वो घाटे में ना रहे, तो उनका वो मार्जिन हो जाता है। तो आप इसे मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए की आपकी ज्वेलरी है तो आपको उसका 60,000-65,000, किसी किसी बैंक में 70,000 तक का अमाउंट आपको मिल जाएगा, पूरी पेमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलती। अब रही बात नीचे चलते हैं कि भाई ये जो लोन होता है इसके अंदर हमें प्रोसेसिंग फीस कितना देना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग फीस जो है बैंक का जो होता है, एनबीएफसी का होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस समय ले रहे हैं और कौन से बैंक से ले रहे हैं। स्टार्टिंग जो होता है 0.5 से लेकर 1% तक का जाता है। इसे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, जब आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आप उनके जो मैनेजर है या जो चेकआउट करें उनसे बातचीत करके लोएस्ट से कम इसे करा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है क्या कि ठीक है हमें लोन मिल गया, अब इसकी पेमेंट कैसे करनी है, इंस्टॉलमेंट कैसे जाना है, ईएमआई कैसे जाना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करे जाते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि ठीक है मान के चलिए आपने 1 साल के लिए लोन ले लिया, तो वहाँ पर क्या है कि आप हर महीने जो है इसका इंटरेस्ट खाली दो और जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन जैसे खत्म होगा तो इकट्ठा आपको बाद में दे देना है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको जो है ईएमआई बनवा लेनी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों हर महीने आप जमा करते रहो, एंड में आपका लोन टोटल खत्म हो जाएगा, अपना जो गोल्ड है वो लेकर चले जाओ।
अब कई महीने में ये आता है, ठीक है एक साल का लोन है भाई, मेरे पास छः महीने में पैसे हो गए, तो प्रिंस भाई फिर यहाँ पे क्या करना है? तो आपको वहाँ पे करना है क्या है कि आपको टोटल अमाउंट अगर आप पे आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्री पेमेंट उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता, मैक्सिमम बैंकों में कोई भी चार्ज नहीं लेता। अब मन में ये सवाल आता है कि भाई हमारा जो गोल्ड है वो क्या बैंक में सिक्योर है भी या फिर नहीं है, क्योंकि गोल्ड हर कोई जल्दी किसी को दिखाता तक नहीं है, देने की तो दूर की बात। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे आपके गोल्ड का इंश्योरेंस होता है, वो लॉकर के बैंक के लॉकर में रहता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब उम्मीद करता हूँ मैंने सारे के सारे सवालों का जवाब आपको दे चुका हूँ। अब रही बात, अब आपको लोन लेना ही है, आपने डिसाइड कर लिया, तो मेजोरिटी हर घर में किसी ना किसी के पास SBI बैंक जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे SBI एग्जांपल इसलिए रहा हूँ कि SBI का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके ग्राहक भी काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह उसके ब्रांचेस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो 9.5 से लेकर जो है गोल्ड की स्टार्टिंग हो जाती है, होम लोन के बाद दूसरा ही लोन सबसे ज़्यादा लेने वाला लोन है जिसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इसकी बात करूँ टाइम पीरियड की, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जो है, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी ले सकते हैं, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। और एक चीज़ और तो वो ये है कि आपको जो है मिनिमम जो है 20,000 रुपये तक का लोन लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप छुटपुट सा 200 ग्राम मतलब 1 ग्राम का गोल्ड लेकर चले गए तो वहाँ नहीं होगा, 20,000 का लोन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट आपका 10 लाख 20 लाख 50 लाख, कितने सारे NBFC हैं जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कितने तो है, मैक्सिमम जितना आप चाहे उतना आप लोन पे गोल्ड पे लोन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी के सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ छूट गया हो, कुछ जानना पूछना बताना चाहते हैं, या और कहीं बैंक ऐसा है या NBFC है जो कि काफ़ी कम कीमत पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।